रेवाड़ी में अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा। अवैध निर्माण पर प्रशासन की सख्ती जारी। डीटीपी ने 4 एकड़ जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को गिराया। डीटीपी ने आमजन से की अपील, नियमित कॉलोनी में ही खरीदे प्लॉट। अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही। डीसी उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने डीटीपी विभाग को निर्देश दिए कि जिला में अवैध कॉलोनियों को बसने न दिया जाए और अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाए। डीसी ने कहा कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में जो सरकारी खर्चा आएगा, उसकी वसूली भी संबंधित अवैध निर्माणकर्ता से वसूली जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति घोषित किए गए नियंत्रित क्षेत्रों में बिना अनुमति निर्माण न करें। रेवाड़ी डीटीपी जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से शुक्रवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट भूप सिंह, नायब तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन के सहयोग से बावल रोड पर सब्जी मंडी के नजदीक शहरी क्षेत्र नियंत्रित क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाए गए। इस कार्यवाही में राजस्व संपदा गजजीवास तहसील व जिला रेवाड़ी में अवैध रूप से निर्मित व निर्माणाधीन निर्माणों पर विकसित हो रही लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में 8 गोदाम व अवैध कॉलोनी, दुकानें, 4 दीवारी, रोड नेटवर्क, बिजली के पोल को जेसीबी की सहायता से हटाया गया। जिला नगर योजनाकार अधिकारी धर्मवीर खत्री ने आम जन से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र शहरी क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें। किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति ले। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी काटने वाले आमजन को झूठे सब्ज बाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेचकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसका आम जनता को तब पता चलता है जब उसके द्वारा उस स्थल पर अवैध निर्माण शुरू करने पर कार्यवाही की जाती है। उस समय जिस व्यक्ति द्वारा वह प्लाट खरीदा गया है, वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इसलिए आमजन से बार बार यही अपील की जाती है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट न खरीदे, ताकि आमजन की खून पसीने की गाड़ी कमाई व्यर्थ न जाए। कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता के बारे में जिला नगर योजनाकार कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में जानकारी ले सकता है।